नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सऊदी अरब की एविएशन एजेंसी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 4,80,00,000 डॉलर का बकाया पेमेंट करने का नोटिस थमा दिया है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि अगर उसने ये पेमेंट नहीं किया तो उसके नागरिक हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। शहबाज शरीफ सरकार के लिए 30 जून बेहद अहम तारीख साबित होने वाली है। 30 जून को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। शाहबाज एक हफ्ते में 4 बार आईएमएफ चीफ से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक नए प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सका है। 2020 में ही यूरोपीय यूनियन के 28 देशों ने पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। यूनियन ने कहा था पाकिस्तान का सिविल एविएशन मिनिस्टर संसद में कह रहा है कि ज़्यादातर पायलट फर्जी लाइसेंस और डिग्रियां हैं, हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले पर अफसोस जाहिर किया है। यूरोपीय यूनियन ने 6 महीने में अपनी शर्तें पूरी करने को कहा था, लेकिन PIA और पाकिस्तान सरकार इस बारे में जरूरी कदम नहीं उठा सकी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तब कहा था हमने जो शर्तें रखी थी, जो स्टैंडर्ड तय करने को कहा था, उन पर काम नहीं किया गया, लिहाजा बैन जारी रहेगा। 24 जून 2020 को पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री ने 262 पायलट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इसके बाद 141 पायलट्स भी जांच के दायरे में आए, इनमें से कुछ के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।